फौजदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे लिंग विद्यालय समाज में। कल अध्ययन कर रहे थे सामाजिक समूहों में जेंडर की, जो सामाजिक समूह होते हैं उसमें के तीन पॉइंटों का अध्ययन कर लिया था। आज फोर्थ दो है शिक्षित समाज में जेंडर की पहचान। इससे पहले तीन बिंदुओं का अध्ययन कर लिया गया था, फैमिली में जेंडर की पहचान, समाज में जेंडर की पहचान और सांस्कृतिक समूहों में जेंडर की पहचान। तो इसके बाद आज फोर्थ है शिक्षित समाज में जेंडर की पहचान। आप देखते हो शिक्षित समाज में जेंडर का अभिप्राय स्त्री पुरुष की समानता के संदर्भ से होता है। इस प्रकार सदैव स्त्री अपने वर्चस्व के प्रति सहज होती है और अपने अधिकारों के लिए सदैव संघर्ष करती है। आप देखते हो कि जो शिक्षित समाज होगा उसमें जेंडर स्त्री को जो भी अपने जो अधिकार होते हैं इनके बारे में जानकारी होती है तो उन अधिकारों के लिए संघर्ष करती है। पुरुष वर्ग भी अपने आधिपत्यों को स्वीकारते लिए उनको अपने समक्ष रखने का प्रयास करता है। बाकी जो जेंट्स वर्ग है वे अपने जो अधिकार हैं उनको अच्छे से दूसरों के प्रति समक्ष रखने का प्रयास करता है। स्त्री पुरुष के मध्य असमानता की स्थिति समापन के क्रम से चलती है। जैसे शिक्षित समाज जेंट्स वर्ग रसोई घर में कार्य करता है तथा स्त्री वर्ग योग्यता के आधार पर नौकरी करती है। तो इस प्रकार शिक्षित समाज में जेंडर का अर्थ का कार्य विभाजन से न होकर सुविधाजनक एवं सामंजस्यपूर्ण की व्यवस्था से होता है। आप देखते हो किसी भी चीज़ का हमें जो सुविधा चाहिए उसके लिए हम कार्य कर सकते हैं तो उस सुविधा से कार्य करने से ही पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन उसका एडजस्टमेंट सामंजस्य कि भाई स्त्री में योग्यता है तो वो नौकरी करने के लिए जा रही है तो जेंट्स वर्ग घर में काम करेगा तो इन दोनों में एक सेटलमेंट या एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसके बारे में एस के दुबे जी लिखते हैं, एस के दुबे के शब्दों में शिक्षित समाज में जेंडर से आशय एवं
आज से समाज एवं व्यवहार के संतुलन एवं सुविधा जनक व्यवस्था से होता है जिसमें स्त्री पुरुष जिसमें स्त्री पुरुष अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुभव योग्यता के अनुरूप कार्य करते हैं तथा आदर्श व्यवस्था को जन्म देखते हैं। आप देखते हो कि एस के दुबे जी ने कि शब्दों में शिक्षित समाज में जेंडर से आज से समाज एवं परिवार के संतुलन एवं सुविधाजनक व्यवस्था से होता है जिसमें स्त्री पुरुष अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुरूप कार्य करते हैं तथा आदर्श व्यवस्था को जन्म देते हैं। आप देखते हो कि स्त्री शिक्षित समाज में जब स्त्री पुरुष दोनों शिक्षित है तो वो परिवार में संतुलन सुविधा की सारी व्यवस्था अच्छे से हो जाए और उसके साथ अपनी योग्यता के अनुरूप भाई जिस जेंट्स पुरुष की जिस कार्य में चेयर हो उस कार्य के लिए उसमें योग्यता है वो अनुरूप उस कार्य को करता है अच्छी और आदर्श व्यवस्था को नाम देते हैं। इसके बाद अगला पांचवा पॉइंट आता है अशिक्षित समाज में जेंडर की पहचान। अशिक्षित समाज में जेंडर की पहचान आप देखते हो कि अशिक्षित समाज में जो
जेंडर की पहचान हो, स्त्री पुरुष के रूढ़िवादी और अंधविश्वास की जो परंपराएं हैं हस्तक्षेपित है, जैसा कि स्त्री का पति मरने के बाद उसका दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं होता है, जबकि जेंट्स को दूसरी शादी करने का अधिकार होता है। ये इस प्रकार से एक ऐसे समाज में एक स्त्री और पुरुष के में लिंग असमानता उत्पन्न होती है। इस प्रकार दायित्व एवं अधिकारों का और परंपराओं का विभाजन स्त्री और पुरुष के मध्य स्त्री और पुरुष के मध्य कंटिन्यूटी रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो अली आ रहे, उसी के साथ उनमें असमानता का संदर्भ उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अशिक्षित समाज में जेंडर का आज से स्त्री पुरुष के मध्य रूढ़िवादी दायित्व के रूढ़िवादी दायित्व के दायित्व से होता है, जिसमें जेंट्स और शक्ति अधिक होती है, जबकि स्त्री वर्ग में शक्ति बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से अगला आता है अगला पॉइंट है, जिसमें आप देखते हो स्वयं सेवी सामाजिक समूहों में जेंडर की पहचान बाजार तो मैं भी चलूँगा और यह वीडियो बना मैं भी चलूँगा बाजार में, बस यह बनाए 10-15 मिनट तो हुआ था। तो आप देखते हो स्वयं सेवी जो सामाजिक समूह है उसमें जेंडर की एक लिंग की क्या पहचान होती है। आप देखते हो कि अनेक प्रकार के स्वयं सेवी संस्थाओं में स्त्री पुरुष की समानता की बात करते हैं, वहीं स्त्री के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने के लिए स्वयं सेवी संस्थाएं अनेक प्रकार के आंदोलन चलाती हैं और समय समय पर नारी शक्तिकरण के लिए योजनाओं की समीक्षा करते रहते हैं। इसी प्रकार अनेक स्वयंसेवी सामाजिक समूह जेंडर का आज से उन सभी गतिविधियों एक्टिविटी नीतियों एवं सिद्धांतों से होता है, जो नारी स्थिति को
सुधारते हैं तथा उसको जैन स्वर को समकक्ष लाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि एक स्त्री की जो सामाजिक एक्टिविटी हैं, धार्मिक हैं, उनको सुधारने का प्रयास करते हैं और जैन के समकक्ष लाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से स्वयंसेवी संस्थाएं लैंगिक विभेद को समाप्त करने का प्रयास करती है। जैसा कि हाल ही में आपने देखा है, फिल्म अभिनेत्री कंगना के सपोर्ट में या उसके पक्ष में उसके खिलाफ जो हिंसा हो रही थी, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्था उनके पक्ष में हाल ही में मैदान में उतरी हैं। तो इस प्रकार से एक नारी शक्ति के विरुद्ध स्वयंसेवी संस्था इस प्रकार से सामाजिक समाज करती है। इसके बाद आता है जातिगत जातिगत समूहों में जेंडर की पहचान। आप क्योंकि एक जातिगत समूह में जो जेंडर की पहचान होते हुए लिंग की किस हिसाब से मान मर्यादा या पहचान रहती है। भारतीय समाज में अनेक प्रकार की जाति अनेक प्रकार के कार्यों के लिए मानी जाती है। इन जातियों में जेंडर का आशय है स्त्री पुरुष के लिंग भेद पर आधारित होता है। इस स्त्री पुरुष दोनों के मध्य जो परंपराएं चली आ रही हैं और उनके अधिकारों का वर्णन होता है। जैसा राजपूतों की स्त्रियां जोर करती थी और अपने पति के शव के साथ सती होने वाली राजपूत स्त्री समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करती थी। इस प्रकार अनेक जातिगत समूहों में स्त्री पुरुषों की जो एक्टिविटी है परंपराएं हैं वो आधुनिक रूप से देखने को मिलती है। जहाँ स्त्रियाँ शिक्षित होती हैं वहाँ जेंडर का अर्थ समानता के लिए कार्य करने से होता है। एस के दुबे जी लिखते हैं, जिस समाज में शिक्षित जातियों के समूह जातियों का समूह होता है,
जेंडर का अभिप्राय स्त्री उसके मध्य लैंगिक वेद को समाप्त करने का प्रयास समाप्त करने का प्रयास हो से होता है। सबकी अशिक्षित तो के समूह रूढ़िवादी वादन से होता है। आप देखते हो कि जो एस के दो पेज लिख रहे हैं, जिस समाज में शिक्षित जातियों का समूह होता है, जहाँ जेंडर का अभिप्राय स्त्री पुरुष के मध्य लैंगिक वेद को समाप्त करने के जो प्रयास होते हैं उनसे, जबकि अशिक्षित व्यक्तियों के समूह में दायित्व के रूढ़िवादी विभाजन से होता है। तो आप देखते हो शिक्षित समाज है जिसके मध्य स्त्री पुरुष के मध्य लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने का होता है, जबकि अशिक्षित में दायित्व का रूढ़िवादी विभाजन से होता है। इसके बाद अगला और लास्ट बिंदु है धर्मगत समूह में जेंडर की पहचान। धर्म गत समूह में जेंडर की पहचान।
आप देखते हो कि एक धर्म संबंधित समूह में जेंडर की पहचान स्त्री पुरुष के दायित्वों में असमानता की स्थिति से देखा जाता है। अनेक स्थानों पर स्त्री को मान स्थिति प्रदान की जाती है एवं अनेक स्थानों पर जेंट्स और को मान स्थिति प्रदान की जाती है। परिणाम स्वरूप धर्मगत समूह में जेंट्स वर्ग की स्थिति अधिक मजबूत होती है। धर्म समूह में स्त्री को दायित्व का भार सर्वाधिक रूप से प्रदान किया जाता है एवं धार्मिक अतः धर्मगत समूह में जेंडर का आशय स्त्री और जेंट्स के मध्य आदर्शवादी एवं धार्मिक एक्टिविटियों में कार्य करने हैं उनकी क्षमताओं के आधार पर स्त्री पुरुष के मध्य समान कार्य एवं दायित्व का अधिकार स्थापित करना है तथा इसमें जेंट्स वर्ग की प्रधानता बनी रहती है। थैंक यू। सभी विद्यार्थियों का शेष बचा हुआ अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।